लो उसको, झगड़ लो उसको, काट देंगे उसके दोनों हाथ, झगड़ो उसको और तेज से, झगड़ो लगा पूरी ताकत की तेरी, काट देंगे तेरे दोनों हाथ, नहीं करता कहीं कुछ उसको, तो क्या नहीं करता, लगा पूरी ताकत और जोर से, और जोर करता मैं, काट लूंगा तेरे दोनों हाथ, दोनों हाथ काट लेंगे, क्या कर रहा था तू, क्या कर रहा था, कर रहा था मार देने वाला था उसको, सही सही बोल, कब मारने वाला था, सही बोल, कब मारने वाला था, अम्मा से पुन्नम ने कब मारने वाला था, नहीं बोलता, नहीं काट देता तेरे दोनों हाथ, दोनों हाथ काट लूंगा, जल्दी बोल, बोलता मैं, बोलना पड़ता, नहीं बोलता, मार देने वाला था उसको, नहीं बोलता, काट लूं ये दोनों हाथ, बोलना पड़ता, जल्दी नहीं बोलता, आ, बोल, बोल, नहीं बोलता, जल्दी बोला तो तू बचा, झगड़ लो उसके हाथों को, झगड़ो तेज से, नहीं बोलता, झगड़ो उसके हाथों को और तेज, झगड़ो, नहीं बोलता, बोलना पड़ता नहीं तो मार देता तुम पूरा, नहीं बोलता, भसम कर दूं, नहीं बोलता, मैं तो हाथ काट के देता, नहीं बोलता, कहीं मिला खिलाए, बोलता कहीं मिला खिलाए, नहीं बोलता, बिरयानी में तारी में चिकन बिरयानी में कहीं में, नहीं बोलता, बोलना पड़ता, काट के भस्म कर दूंगा, गुस्सा नहीं आना मुझे, चल जल्दी पूरी ताकत लगा के, नहीं बोलता, नहीं बोलता, क्या कलमा पढ़ रहा है, नहीं बोलता, नहीं बोलता नाम का, कमीने, काट दूंगा तेरी ज़बान, नहीं बोलता, नहीं बोलता, झगड़ लो इसके हाथों को तेज, नहीं बोलता मैं, नहीं बोलता मैं, नहीं बोलता मैं, ऐसा तेरे को बोले क्या, ऐसा बोले ना को, नहीं बोलता, ऐसा बोले, हाँ औरत थी, आदमी था जादू करने वाला, हाँ अरे रे तेरे को फंसा दिया उन्होंने इसके आंग में, असल में तेरे वो दुश्मन है, ये नहीं है तेरा दुश्मन, अब तेरे को बहुत मार पड़ने वाली, यहाँ अब तेरे दोनों हाथ काट दूंगा मैं, काट के जमीन में गाड़ दूंगा, शीशे में डाल के गाड़ूंगा, तू कैसा दिखे हाथों पकड़ हाथों के, बोल, लगाओ लोगों की आवाज, देखो आते क्या उन्हें बचाने को देखेंगे, लगा जिन्होंने डाले इसके आंग में, देखो उनको आवाज लगाओ, बचाने को आते क्या देखते को, लगा उनको आवाज तेज से, छोड़ दो छोड़ दो, झगड़ो उसको और तेज से, मैं छोड़ने का हुक्म नहीं दिया, तेज झगड़ा भी खूब मारो और बुलाओ उसे, सिरा मारो बन के डालो उसको तेज से, कौन है तू, जिन्नात है मरा वाला इंसान है, कौन है जिन्नात है, हाँ मरा हुआ इंसान है जिन्नात है, कौन है, जल्दी मेरे को जला नहीं आ रहा, नहीं बोलता, बोलना पड़ता, बाबा का राज चल रहा क्या, नहीं बोलता मैं, नहीं बोलता, नहीं बोलता मैं, नहीं बोलता, नहीं बोलता मैं, नहीं बोलता, नहीं बोलता मैं, यहाँ तक मैं तुम्हें नहीं बोलता मैं, यहाँ तक काट दे लूँगा, ये दोनों हाथ मुझे, वहाँ झगड़ लो इसके हाथों को तेजी से, झगड़ो इसके हाथों को, तेज झगड़ो, ये जुल्म दे रहा लोगों को, झगड़ लो उसके हाथों को और तेज से, उन्हें जुल्म देने को दे रहा, और ऊपर से बोलता भी नहीं बोल रहा, झगड़ लो उसको और तेज से, तुझे बोलना ही पड़ता, तुम्हें छोड़ छोड़ता मैं, नहीं बोलता, चल बोल दे, नहीं बोलता, मेरे को जला में मतलब जल्दी बोल, नहीं बोलता, अभी तक कहीं हाजिर हुआ था तू उसके आंग पे, नहीं बोलता, अभी तक कहीं हाजिर हुआ था दूसरी तरफ, कहीं पहली बार यहाँ हाजिर हुआ, सब बोलना पड़ता, पहली बार हाजिर हुआ, चल जल्दी, देख एक तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को दो हाथा देना पड़ेगा, बोल दोनों से, नहीं बोलता, मेरे हाथा दे दे, नहीं देता, वो हाथा होना मुझे, नहीं देता, हाथ मुझे दे दे जल्दी से, शैतान दोनों हाथा काट दूंगा, तोड़ दूंगा, दे जल्दी, नहीं देता, फिर बोलना पड़ता, बोल फिर, नहीं देख देख मैं छोड़ता हूँ, वैसे नहीं छोड़ना, मेरे को गुस्सा नहीं आना, बोला क्या देख मैं इज्जत से तुझे बोल रहा हूँ, आ रहा क्या कर रहा है तू, अंदर बैठ के, नहीं बोलता मैं, सुनूं दे रहा है लोगों को, मेरे साथ में कौन आए वाले, कोई जी नहीं, नहीं बोलता, नहीं बोलता मैं, नहीं बोलता मैं, नहीं बोलता मैं, चलते तेरे हाथ तोड़ दम, नहीं बोलता मैं, पकड़ लो उसके हाथ, नहीं बोलता मैं, नहीं बोलता मैं, नहीं बोलता मैं, नहीं बोलता, चल मेरे पास गुलाम बन जा, नहीं बोलता मैं, चल मेरे पास गुलाम बन जा, क्या काम होता तुझे करने, झाड़ू मारने आती, खाना बनाने आता, हाँ खाना बनाने आता, लोग खाना बांटने आता, हाँ बर्तन धोने आते, क्या काम आता तुझे, क्या काम आता तुझे,
लोगों का एक्सीडेंट करने आता तुझे, गाड़ियां उठा के पटकने आता रोडों पे के, हाँ क्या काम आता तुझे जल्दी, हाँ क्या काम आता, पहरेदारी करने आती बाहर खड़े कर दिए तो, हाँ सब देखते रहना कौन आ रहा कौन जा रहा, मैं सारी इंफॉर्मेशन देते रहना, बोल क्या होता तुझे काम, हाँ शिफ्टिंग का काम आता तुझे, क्या काम आता फिर, इधर का सामान उधर उठा के रख सकता, हाँ बोल। अच्छा जब तू तो कोई काम नहीं आ रहा तो फिर तेरे हाथा बेकार है, फिर वो हाथा तोड़ देंगे फिर, है कि भी कुछ मतलब के नहीं ना वैसे वो हाथा, नहीं 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 वो हाथा है कि भी कोई मतलब के नहीं, वो ना तेरे को खाना बनाने आ रहा ना खाना बांटने आ रहा लोगों को ना बर्तन धोने आ रहे ना झाड़ू मारने आ रहे रात में पैदा देने नहीं आ रहा तुझे रोड में गाड़ियां उठा के पटकने नहीं आ रहे कुछ काम नहीं आ रहा तुझे, तो क्या मतलब इधर का सामान उधर उठा के रखने नहीं आ रहा तुझे, वो हाथा भी काम के नहीं बेकार है तोड़ देंगे वो, नहीं हाँ चल बोल, नहीं बोल बोल, हाथों के साथ पौवा भी काट दो क्या, वो नहीं चल वो तो आप तोड़ दो, नहीं नको 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 नहीं 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 छोड़े 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 नहीं,
भगा पूरी ताकत नहीं, भगा पूरी ताकत और जोर से, और जोर से, कितनी है तेरी ताकत पूरी? नहीं, हाँ, नहीं, भगा पूरी ताकत, नहीं, नमाज पढ़ने वाले लोगों को परेशान कर रहा, नहीं, इबादत करने वाले लोगों को परेशान कर रहा, नहीं, हाँ, दुनिया में जुलूम दे रहा लोगों को, नहीं, बेगुनाह लोगों को परेशान कर रहा, नहीं, क्या कर रहा हूँ? तेरे बच्चों को मारा हूँ मैंने, तेरा खजा लाया, तेरा खजाना निकाला हूँ मैंने, क्या कर रहा हूँ मैंने जो तू उसको जुलूम दे रहा? बोल बोल, साई से बोल दे, मैं तुझे छोड़ दे रहा चल, डर दे कभी तेरे को पानी पिला के तेरे अंदर से आने लगा लूँ, गिलास में पानी लाऊँ, डाले वाले, नहीं 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 जिन्ना तो लोगों को जुलूम देता किसको भी नहीं 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 इसके आगे बोलने इसको एडमिशन दिलाओ देखो मारो इसको और नहीं नहीं गुस्सा मत शाबाश सही से बोल कौन है वो कौन है किसने डाला इसके पेट में तुझे नहीं बोलता ऐसा उन्होंने बोले नक्को बोले उन्होंने बोले इतनी कई को तो वफादारी कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है कैसे रहते थे कोई शैताना बेवकूफा जिन्नाता उसके वास्ते वफादारी करते जो डाल देता छोड़ देता खुद भी मार खाते पिस जाते भस्म हो जाते मगर उसकी इतनी वफादारी करते कि आखिर तक नहीं होती नहीं अब किसका क्या जाएंगे अब इसकी शक्ति कमजोर करते करते उसको इतना कमजोर कर देंगे इसके आंखों की भी कमजोर कर देंगे इसके हाथा भी काट लेंगे बाद में तो फिर बोलना पड़ता उसको मगर कितनी वफादारी कर रहा हूँ जरा उसके बाप का रिश्तेदार है वो वैसी वफादारी कर रहा बेवकूफी मत कर जिनके हाथ तू वफादारी कर रहा हूँ यहाँ के देख बचा रहे नहीं लगाऊ का आवाज आते क्या उन्होंने यहाँ पे बचा रही देखो मार तुझे पड़ रही उन्होंने मजे से चलाओ उधर उसके चलाओ इसके नीचे से आग लगाओ नहीं 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 बोलता कितनी वफादारी किसके वास्ते वफादारी ऐसी है तो कुछ क्या हमने फंसाया उन्होंने बोलता दुश्मन है सर में नहीं बोलता शाबाश बोल नहीं बोल मैंने मेरे पास गुलाम बना के रख दिया बोल शाबाश नहीं बोलता बोल देखो आसान काम नहीं है चल हां नहीं बोलता हां बोल शाबाश बोल मैं तुम्हें गुस्सा नहीं आना देगा और काट दूंगा देखो दो टुकड़े कर दूंगा चल बोल 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 रहा शाबाश बोल रहा चल हाँ मैं पूछ रहा तुझे बोल बोल वो औरत थी वो आदमी था जिसने इसके आंग में डाला तो कौन था वो जिसने तो फंसा दिया ला के इसके आंग में तुझे कितनी मार पड़ रही मुझे भी अच्छा नहीं दिख रहा तुझे इतना मारने लगाना हाँ कितना तेरे को बेइज्जती कर दे रहे हैं तेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी तेरी देख पूरे लोग आते को देख रहे हैं हाँ ताकतवर जिन्ना तू कितना शेयर कर दे रहा है बेइज्जती हो रही तेरी दुनिया के दूसरे जिन्ना था भी देखेंगे वो बोलेंगे अरे कैसा बेइज्जती है बेचारे बेइज्जती के वास्ते बेचारा कैसा हो रहा सब बोलेंगे क्या बेइज्जती हो गई इतने बड़े जिन्ना की हाँ देख बोल बेइज्जती हो रही जल्दी बोल दे
जा रही तू फसल डाल बहुत बेइज्जती हो रही देख सब लोग देख रहे देखो मार दो वा अरे रे रे देख इधर बैठे वाले भी देख के हंस रहे देख हां बहुत शाबाश बोल दे जोर से और जोर हां हां बोल कुछ बोल रहा मुझे कोई राज की बात हां क्या बेइज्जती हो रही तेरी पूरे लोग देख रहे इतना बड़ा ताकतवर जिन्ना को कैसा मार रहे पूरे सब कैसा मार खा रहा लड़के पूरा हाँ अल्लाह कलाम की ताकत है देखा कैसी ताकत है तो देख लिया اللهم فاطر السماوات والله الظالم والغيب الشاب اللهم فاطر السماوات والله الظالم والغيب الشاب انت الرحمن الرحيم اللهم اني احاض اليك في حاضر حياتي الدنيا شطاع الليل انت واحد من اجل ما شاء الله محمد عبد الله فلا وإلا تقول الله رحمة فجل لنا وصلى الله على कैसा मार रहे बोल रहे थे कैसी हंसी उड़ा रहे तेरी अब तेरी दुनिया में बेइज्जती जाती पूरी उसे पहले बोल दे जल्दी हाँ मुझे भी अच्छा नहीं दिख रहा देख तू कुत्ता मारने लगा ना मतलब उसको और कस के मतलब उसको मार तेरे तीन से देख लिया देखा देखा नहीं देखा हाँ देखा हाँ और जोर से इतनी वफादारी मत कर जादूगर के वास्ते छोड़ो सुनने नहीं आ रहा जोर से नको छोड़ना बन के डालना और तेज से बनने लगा छोड़ दे तू नहीं क्या ये देखो कैसी दास्तान है छोड़ने वाले छोड़ देते आंग में ये लोग आ जो शैताना जिन्नाता जो आते लोगों के आंग में बड़ी वफादारी से इतनी वफादारी कि खुद मार खा के जलील होकर बेइज्जती हो रही तेरे पूरे दुनिया में तेरी बेइज्जती होगी नारा तो भी हुए क्या बोलते हो तो वफादारी इतनी कर रहा कि नाम मत नहीं बोलूंगा बोल रहा इसका क्या जाने वाला देखो मार मार के सब करा देता हूँ और तेरे पूरा संजीरा डाल के तेरी दुनिया फिरान लगा दो पूरा तेरे बादशाह के दरबार में भेजेंगे तुझे पूरे लोग देखेंगे तुझे तेरे रिश्तेदार भी देखेंगे तुझे संजीरा डाल के फिराता हुआ कितनी बेइज्जती होंगी साई साई बोल छोड़ दो मैं तुझे चल सरकारी का मोबाइल छोड़ दो मैं तुझे चल दे हाँ बोल शाबाश बोल उनके नामा बोल हाँ बोल दे रहा हूँ उनके नामा बोल दे कौन है औरत है तुम्हें इसके हाथ में डाले तो क्या बोल के डाले थे इसको मार देने को हाँ क्या बोले थे हाँ कौन से गांव का था हैदराबाद का था
बोल तू बाद में बोल तू सब बोलता बाद में हां बोल तू सब बोलता बोल तू ठीक है चल बोल तू चल बाद में बोलना सब याद करके आगे बोलना बोल तू कैसे कौन ने जादू कराया था कितने पैसे दिए थे कब करे थे सब याद करके बोलना चल तुझे एक मौका दे रहे हैं हां बोल तू अब तुझे हमारा गुलाम बना के रखेंगे चल बोल 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 तू टीपू सुल्तान का गुलाम बनना बोल बोल तू आज से मैं गुलाम हूँ बोल टीपू सुल्तान का चल छोड़ उसको मेरे पास गुलामी गिर कर चल चल देख हाँ चल बेगुनाहों को नहीं मारना गुनेगारों को मारना समझ गया ना चल अगली बार सब बोलेगा उन्हें अपने चलो खड़ा रह के देखो अरे क्या हुआ तुम्हारा देखो तो क्या नाम है तुम्हारा ये किसकी टोपी है अच्छा अभी क्या हुआ था तुम आपको क्या देखे कहाँ से आए तुम जोर से बोलो क्या नाम है अच्छा अभी क्या हुआ कुछ याद है क्या हुआ अच्छा इधर मुंडी करके कहीं सो गए थे तुम दो दिन से सोया तुम तीसरा दिन निकला देखो कैलेंडर में उधर क्या हुआ था तुम अब क्या तीसरा दिन निकला ना क्या हुआ था इधर देख के मेरे तरफ देख के बोलो अच्छा इससे पहले कभी तुम्हारे आंख पे कोई चीज हाजिर हुई क्या इससे पहले एक बार प्रकाश में मिला हाँ वो दूसरे हमारे दोस्त लेके गए थे हाँ छह मूर्ति निकाल के दिया था वो मूर्ति निकाल के दिया था वो कहाँ से निकले वो मेहराम में से वैसा इलाज रहता कि कहीं वो नजर बंदिया खेल बेवकूफ बनाने का था अब जो भी था यहाँ लाइव चला क्या चला अभी क्या हुआ तुम्हारा कुछ याद है क्या कुछ भी नहीं ऐसा कैसा सब लोगों का टाइम खाया तुमने कितना आधा घंटा दूसरी बात तुम्हारा याद भी नहीं कुछ क्या हुआ तुम बोलो इधर मेरी तरफ देख के बोलो लोग कैमरा चालू इधर दुनिया देख रही तुम्हारा हाँ कुछ याद है क्या अंदर आए थे तो कितना याद था तुम्हारा ये इतना जंग का अखाड़ा बना दिए थे तुम कि छोटे बच्चे डर के भाग गए पूरे बाहर बोलो मेरे कहा था 18-20 साल से बहुत ही बोर है वो तो तुम्हारी तबीयत का सुना रहे तुम तबीयत का नहीं रब्बी है क्या हुआ तो याद है क्या एक भी अल्फाज याद नहीं है मैं सवाल जवाब कर एक भी याद नहीं है बोल रहा था क्या बोल रहा था मैं पढ़ रहे थे पढ़े वाला सुने थे कब पढ़े वाला सुने थे स्टार्टिंग में और बाद में सवाल जवाब वाला याद नहीं है मैं सवाल कर रहा था तो हाँ कुछ याद नहीं करते हैं अभी क्या क्या हुआ क्या क्या दास्तान है सब उसमें कैमरे में रिकॉर्ड है उसके बाद देख लो तुम्हारे आंगन में कोई जिन्नात हाजिर हुआ था अभी कोई तो बुड्ढे ने छोड़ा था कितने साल पहले छोड़ा था बोला दो साल और वो बुड्ढा जिसने छोड़ा था वो एक्सपायर होगा मर गया जादूगर था बोलते कोई तो उसने छोड़ा था और ये शय तुम आपको परेशान कर दी थी जिन्नात था वो क्या करे तो नाम नहीं बोलूंगा क्या करे तो नहीं बोलूंगा बोल रहा था बाद में जब उसको आखिरी फटके मारने लगाए उसके टुकड़े करने आते तो फिर सब बोल रहा तो बोलता हूँ बुड्ढा था वो बोला और बोला दूसरे चक्कर में सब खुलासा कर दूंगा तो तुम आपको कुछ भी याद नहीं तो हिंदू है वो बोलते मराठी बोल रहा था नहीं जिन्नात है वो तुमको ऐसा लग रहा मगर वो मराठी कहाँ से बोलेगा वो हैदराबाद में मराठी कहाँ चलती मराठी खाली महाराष्ट्र में थी रुको जरा अभी कैमरा चालू रुको कैमरा बंद उसके बाद खोलो बैग में क्या लाया उठता वो नजराना लाया क्या देने को बात किया तो जिन्नात तुम आपको अभी सब बोल रहा उन्होंने बात हाँ अब बाकी की बात उससे आगे पूछेंगे सब दूसरे लोग तुम बहुत किस्मत वाले है दूसरे लोग वहाँ एक दो चक्कर चार चक्कर कितने चक्कर हो रहे नहीं आ रहा तुम्हारा तो पहले चक्कर में आया सब हो भी गया आधे ज्यादा काम बस वो आगे पसंद करेंगे सब
मारने वाला था वो उस तो भी कौन सा तारीख को क्या हो सब कुछ है यार। तो हमें कल परसों को बहुत बोरानगी हो रही थी। नमाज नहीं पढ़ रहे तुम? तो ऐसा भी कभी नहीं पढ़ता। कुरान नहीं पढ़ रहे तुम? नहीं हो रहा ही नहीं कुछ पढ़ना। नमाज और कुरान को पाबंदी से पढ़ो क्योंकि अल्लाह ने मोमिन के वास्ते हथियार रखा है दुआएं, और दुआएं सब पढ़ सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही दुआ पढ़ेगा, मुसलमानों के वास्ते दुआ उतरे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पढ़ सकते और सब उससे फैज पा सकते क्योंकि कलाम इलाही और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन है। पूरे आलम के वास्ते अल्लाह ने उनको रहमत बना के उतारे लिए है। क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही पढ़ेगा, हिंदू पढ़ेगा, सब पढ़ो दुआएं, पढ़ो हिंदी में, पढ़ो इंग्लिश में, पढ़ो अरबी में, पढ़ो हर चीज में अवेलेबल है। तुम जो जबान में है तो जबान में पढ़ो। घर से निकलते वक्त की दुआ पढ़ो, पढ़ो घर को वापस आते वक्त की दुआ पढ़ो। किसी के यहाँ खाना खा रहे तो दुआ पढ़ के खाना खाओ। कोई सफर को जा रहे तो उसकी दुआ पढ़ो। हर चीज और हर वक्त दुआओं का पूरा ऐसा वो रखो, क्या बोलते, तो हर वक्त मामूल बनाओ दुआ पढ़ने का। तुम दुआ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे तो तुम महफूज रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाता है जिन्ना आता शैतान लोग लगा दे रहे, फिर वो जिंदगियां तुम्हारे बर्बाद कर दे रहे। तुमको भी नहीं मालूम तुम्हारे आंग में है, बोल के शैतान, उनको भी नहीं मालूम था और अब भी उन्होंने आए, अब उनके आंग में हाजिर हुआ। इससे पहले कभी हाजिर हुआ तुम्हारे आंग में? कभी कोई दरगाह पे, कभी कोई इनके पास, इलाज वालों के पास, स्वामी महाराज बाबा किसके पास में हाजिर हुआ क्या? सवाल जवाब हुए कुछ भी नहीं। तो ऐसा रहता आंगों में छुपके बैठते तो सबको हाजिर करने नहीं आता। हाजिर करने के तरीके और इख्तियार बहुत कम लोगों के पास रहते। बाकी छोड़ना, आंगों में घुसाना, तबाही बर्बादी कर देना, वो तो सबको आता, मगर वो करने के बाद दुरुस्त करने किसको नहीं आता? दुरुस्त करने वाले दुनिया में बहुत कम बिठाए वाले अल्लाह ने, और अल्लाह के कलाम से चलता दुरुस्त का मसला। बाकी कोई जादू टोना, किसी को जादू टोना से जादू टोना नहीं हटता। जादू टोना सिर्फ हटता कलाम इलाही से, अल्लाह के कलाम से, क्योंकि अच्छाई बुराई पे जीत पाती, बुराई से बुराई पे जीत नहीं पा सकते तुम, बुराई से और बुरा छोटा। ये दास्तान है दुनिया की। इस वास्ते दुआएं, हदीसें, कलाम, कलाम इलाही ये सब याद करो। मोबाइल आ गाने पिक्चरा कैसे याद होते तुम्हारा को, बस वो सब ये भी याद करना ना। गाने पिक्चरा याद करके कुछ मतलब का नहीं हो, फजूल की चीज़ है वो। ये तुम्हारी दुनिया वहाँ आखिर संवारने वाली चीज़ें, ये तुम्हारी डिफेंस है, डिफेंस बोलते तुम्हारी हिफाजत करने वाली चीज़ें हैं। ये उधर से वार आ रहा तो तुम्हारा ढाल और कवच है ये, तो तुम्हारा बचेगा ये। और ऐसा जरूरी नहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई अल्लाह का कलाम पढ़ सकते, सबको सबके वास्ते उतरे आला है। मुसलमान ऐसा बोल नहीं सकते कि वो हमारे वास्ते जो तेरा अल्लाह है हमीज क्या बोलते तो उसके हकदार है, कुरान के हमीज के हदीसों के हकदार है, दुआओं के हकदार है, नहीं। सारी जहानों के वास्ते जितने लोग है सबके वास्ते उतरा अल्लाह है। रहमतुल्लाह आलमीन बना के भेजा अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कलाम इलाही सबके लिए है, सब पढ़ सकते हैं उसे। तुमको कोई भी जात का रंधो कैसा भी रंधो, तुम्हारा अगर बेचैनी घबराहट हो रही तो तुम नहाओ पानी, पानी ना के कुरान लो और कुरान को पढ़ो, तुम्हारा ऐसा सुकून मिलेगा कि जिंदगी में तुम्हारा ऐसा सुकून नहीं मिला था। तुम खुद बोलिए खुद क्या सुकून और क्या हम आपको क्या बोलते, दिली और रूहानी कैफियत में सुकून ऐसा कि जिसकी हद में बयान नहीं कर सकते अल्फाज में, वैसा सुकून तुम्हारा मिलेगा। कोई तुम पे जादू टोना नहीं चला सकेगा, सब वापस पलटेगा। ये सब तुम्हारे हिफाजत के वास्ते उतरे वाली चीज़ है ना, क्यों उतरे आएगी ऐसा नहीं होना तुम्हारे साथ बोल के आलम। बाकी मैं क्या बोला, जो छोड़ता उसके वास्ते कितनी वफादारी करते हो देखो, कितनी मार पड़ती है उसको तो भी उन्हें बोलता क्या नहीं, जहाँ उसको मार पड़ती आखिरत के टुकड़े करने की बात आती तो जब बोलता उन्हें, तो बाकी छोटे मोटे इलाज वालों के सामने क्या सही बोलेगा, उन्हें एक बार भी नहीं बोल सकता। बात थी अपना इलाज खुद करो, तुम्हारे को खुद के इलाज करने वाला बना दे रहा हूं मैं। अब एक राह बता के कि वो राह ये है कि अल्लाह के कलाम की रस्सी को मजबूती से थामो और वो पढ़ने वाली जबान बनाओ, तो फिर तुम क्या बोलते तो खुद ब खुद सब दुरुस्त रहेंगे, कोई मसला नहीं रहेगा तुम्हारे ऊपर, कोई तुमको परेशान नहीं करेगा। क्योंकि ये दौर में ऐसा होगा, ये दौर ऐसा होगा मैं देख रहा हूँ कि सगे एक दूसरे के ऊपर कर रहे कि जिसकी हद नहीं, और मेरे ऊपर भी इतने साजिशा रच रहे, मेरे ऊपर भी इतने दास्तान रच रहे कि मेरे को तक आके बोल रहे सब धमकिया दे कि इलाज करना नहीं, अबे कमीनो किसको धमकिया दे रहे, कम वक्त हो तुम्हारी नस्लें ना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अगर मैं बद्दुआ कर दिया तो। दुआ और बद्दुआ ऐसी चीज़ है और पूरी दुनिया को मालूम है दुआ और बद्दुआ सबसे खतरनाक, किसकी बद्दुआ है वो है सैयदों की दुआ और बद्दुआ। जिसको अल्लाह ने मिटाया उन्हें अगर से हाथ उठा दिया तुम्हारे हक में, तो मैं इस वास्ते तो बद्दुआ नहीं करता ना किसके हक में, कि अगर मैं तुम्हारे हक में बद्दुआ कर दूंगा तुम्हारी साथ तो नस्ले बर्बाद कर देता, नस्ल इतने रखता तुम्हारा, बीज इतने रखता दुनिया में, क्योंकि तुम किसके घराने वालों से टक्कर लेने को जा रहे, कौन से लोग है तुम सोचो। ये तो खैर ये बात आई उस तरीके वो सब छोड़ दास्तान, मगर मुद्दे की अहम बात ये है कि तुम अपनी अपनी डिफेंस करो। तुमको इतना बड़ा कलाम दिया अल्लाह ने, कलाम इलाही कभी उसको खोल रहे नहीं, मेहराबों में सजा के रख दिए उसको, निकालो पढ़ो खोलो देखो क्या क्या अल्लाह ने उसके अंदर तुम्हारे वास्ते ताकत रखा, क्या क्या फैज है, क्या क्या खजाने अल्लाह ने उसमें रखे आले इल्म के, वो देखो तो तुम्हारी हिफाजत होंगी। और इबादत नमाजों की रस्सी को मजबूती से थामो। बस इतना बोलूँगा मैं, कैसा है तुम लोग दुनिया के अंदर तो ऐसे हो गए कि भाई कुछ बोलने को भी अल्फाज नहीं है, खुद का खुद ही जस्टिफाई करो, खुद का खुद देखो क्या बोलना,
जमातों में लड़ रहे, मसलकों में लड़ रहे, जात पातों पे लड़ रहे, बैस बाजार क्या चल रहा दुनिया में, कहाँ लेके जा रहे तुम देश कौन दुनिया तुम सब। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, स्वास्थ्य अमल अच्छे रखो, ये हक है और ये हक है, ये मैंने देखे आला है। अगर बहू सास के साथ में बुरा सलूक करी तो बहू जब सास बनती तो उसकी बहू उसके साथ में बुरा सलूक करती, ये भी देखे आला हूँ। दुनिया दुनिया आईना है, तुम आईने के अंदर जैसा सलूक करोगे पलट के तुम्हारे साथ वैसा सलूक होगा। स्वास्थ्य अखलाक अच्छे रखो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा रहेगा, तुम बुरे अखलाक रखो बाद में तुम्हारे भी आजाब गिरता, तुम भी बुरे हो जाते। और इससे ज्यादा क्या बोलूँ, मेरे को बोलने को अल्फाजा नहीं तुम्हारे लोगों को। इना चलो।